हाय गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल है। ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए जो CAPF में हैं और उनके बच्चे सेकंड क्लास से लेके कोई भी कोर्स कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की मतलब किसी भी स्टडी कर रहे हैं किसी भी क्लास में, उनके लिए उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। क्योंकि ये फ़ंड हर साल आता है और इसका लाभ कोई नहीं उठा पाता है। तो इस वीडियो को पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा आपको और इसको कंटिन्यू देखिएगा और सुनिएगा। और बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि किसको कितना अमाउंट दिया जाता है सरकार के द्वारा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। नहीं तो जो भेजते हो आप उसमें कैंसिल कर दिया जाता है प्रपोजल को और आपको इसका छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये एक हर साल मिलता है सेकंड क्लास से अपर तक के लिए, सभी को ये लागू है। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है मैं बताऊंगा आपको। ये छात्रवृत्ति जो है, जो अपने साथी लोग हैं, जो जवान हैं, वो शहीद हो गए हैं, उनके बच्चों के लिए भी ये लागू रहेगी। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ डिटेल में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन असिस्टेंस फॉर द ईयर 24-25 इसका नाम रहेगा, एजुकेशन असिस्टेंस के नाम से। तो ये फंड मैनुअल के चैप्टर 3 के तहत ये दिया जाता है, पैरा नंबर 6(1)(a) के तहत। और ये जो है CRPF के जो भी कैंडिडेट हैं, जो जैसे ये सभी रैंक के लिए है, ऑफिसर्स और अदर रैंक्स सभी जवानों के लिए है। पे टू ऑल रैंक्स इंक्लूडिंग ऑफिसर्स एंड सभी जवानों के लिए। वार्ड्स ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन सस्टेंड 100% डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द एक्शन ड्यूटी एंड बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस फ्रॉम आल्सो एलिजिबल फॉर एजुकेशन असिस्टेंट वाइड डिसाइडेड ऑन 0.3.2 ऑफ GB मीटिंग कोटेड। एक GB मीटिंग हुई थी, उसके तहत जो भी कैंडिडेट मेडिकल बोर्ड आउट हो गए हैं उनको और जो किल्ड इन एक्शन में या 100% डिसेबल्ड हो गए हैं ड्यूटी के दौरान, यहाँ जिनको मेडिकल आउट कर दिया गया है उन सभी के लिए ये लागू है। तो टाइमली ये सब्मिट करें। द सब्जेक्ट ऑफ असिस्टेंस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। सब्जेक्ट असिस्टेंट विल बी प्रोसेस इन द फॉर्म इंक्लूडिंग अपेंडिक्स A-C। ये फॉर्म भर के देना पड़ता है। अपेंडिक्स A-C मैं बताऊँगा इसमें कौन कौन क्या क्या है फॉर्म है और क्या क्या भर के देना पड़ेगा। हाउ ए ब्रेक टू स्टडी ऑफ एनी ड्यू टू कोचिंग ETC में बी कंसिडर इंटरम एंड द डिसेंट। इसके तहत जो कोचिंग के लिए स्कूल छोड़ दिए हैं, कोचिंग करना शुरू कर दिए, उनको भी मिलेगा। तो सबमिटेड सेक्शन ऑफ डेट ये आपको 25/11 से पहले पहले सबमिट करना, 25 नवंबर से पहले पहले सबमिट करना होगा अपने कार्यालय में, ताकि ऊपर ऑफिस में जल्दी पहुँचा दिया जाए। तो ये फॉर्म है, पूरी डिटेल भर के आपको अपने ऑफिस में जमा करना होगा। फॉरवर्ड सेंक्शन ऑर्डर एंड डिटेल्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी ये ऑफिस वाले भेजेंगे। रेमिटेंस ऑफ पार्टिकुलर्स बैंक अकाउंट ऑफ योर ऑफिस में बी इंटीमेटेड टू नीडफुल एक्शन सेंक्शन ऑर्डर रिसीव्ड आफ्टर टारगेट डेट नोट एंटरटेंट ऑफ लास्ट लेट इज नोटिस दैट डिस Eat the time frames sent to submit to sanction order education assistance issues नहीं आपके लेवल का, hence requested that signal sanction order for draw education assistance of the all the personnel posted in offices under sector Adam controls ये भी नहीं आपके लिए। तो आपको बताता हूँ क्या क्या आपको एलिजिबल, क्या क्या आपको चाहिएगा।
अब इसमें क्या है, अपेंडिक्स वन, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स ए में क्या है, यह अपेंडिक्स ए है। एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एजुकेशन असिस्टेंस आउट ऑफ सीआरपीएफ एजुकेशन फंड फॉर द एकेडमिक सीजन, ये 2022-23 का परफॉर्म है, लास्ट ईयर का, इसको 24-25 कर लेना है। फिर इसमें आपका फोर्स नंबर आ जाएगा, रैंक आ जाएगा, नेम आ जाएगा, रेंज और यूनिट आ जाएगा, नेम ऑफ वार्ड्स एंड डीओबी आ जाएगा, यूज सेपरेट फॉर्म ऑफ सेपरेट वार्ड्स, मतलब अलग बच्चे का अलग ही फॉर्म होगा। ब्रीफ डिटेल सेकेंड एलिजिबिलिटी वार्ड्स विच एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रिफर्ड सेपरेटली, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, कैटेगरी, ये अलग अलग बच्चे का अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना है। इंफॉर्मेशन 5B इज ओनली फॉर यूज ऑफ रेंज हेडक्वार्टर टू क्रॉस वेरीफाई एंड एंश्योर दैट एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ टू एलिजिबल वार्ड्स इन सबमिटेड। इसमें छठे नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि लास्ट एग्जामिनेशन पास्ड विद डिवीजन एंड परसेंटेज ऑब्टेंड इन द ईयर, 21-22 है तो आपको यहाँ 22-23 लिखना है, 23-24 लिखना है। मार्कशीट ऑफ प्रोवाइड ईयर इंडिकेटिंग दैट द वर्ड्स ऑफ पास्ट हिज एग्जामिनेशन बी इनक्लोज्ड द क्लासेज विच स्टडी ड्यूरिंग करंट एकेडमिक ईयर, मतलब अब कौन सी क्लास में पढ़ रहा है 24-25 में, वो देना विच स्कॉलरशिप इज अप्लाइड, कोई किसी के लिए अप्लाई कर रखा है स्कॉलरशिप, कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है। ये अगर आपको नया फॉर्म चाहिए तो मैं नया फॉर्म आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट कीजिएगा अगर नहीं मिलता है तो। फिर ड्यूरेशन, नेम ऑफ कोर्स इफ अवार्ड्स इज स्टडी इन प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा कोर्स सेपरेट सर्टिफिकेट में भी ऑल्सो अटैच, अगर किसी प्रकार का डिप्लोमा कोर्स कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट अटैच करना है साथ में, और अलग बच्चे का अलग रहेगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज स्कूल विद फुल एड्रेस, नेम स्कूल का नाम रहेगा, फुल एड्रेस रहेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका भी हो। सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल अथॉरिटी टू बी इनक्लोज्ड इंडिकेटिंग वेदर द वार्ड्स इज कंटिन्यू स्टडी इज नॉट, अगर कंटिन्यू स्टडी है कि नहीं उसका सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आगे दिखाऊंगा मैं आपको। अकाउंट नंबर, वार्ड्स, आईएफएससी कोड, ये जो कैंडिडेट है मतलब वार्ड्स है, जवान का वार्ड्स है, उसका इंडिविजुअल का अकाउंट होना चाहिए, जवान का, ये नहीं मदर फादर का अकाउंट लगा दे वो नहीं चलेगा। और जहाँ तक मैं आता हूँ सबको बताता हूँ कि SBI में अकाउंट हो, अकाउंट खुलवाएं ताकि इतना बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है, SBI का अकाउंट अच्छा रहता है, उसमें IFSC कोड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, और SBI की ज़्यादा कॉरस्पोंडेंस CRP में होता है या CIPF में होता है। उसके बाद चलते हैं अपेंडिक्स टू में, अपेंडिक्स बी सर्टिफिकेट बाय द स्कूल इंस्टीट्यूट, ये सर्टिफिकेट है जो स्कूल और इंस्टीट्यूट से लेना है। नेम ऑफ ब्लॉक लेटर इन नेम ऑफ स्टूडेंट इन ब्लॉक लेटर, स्टूडेंट का नेम लिखा जाएगा इसमें, फादर्स नेम लिखा जाएगा, क्लास पास ड्यूरिंग लास्ट एकेडमिक सीजन ईयर, मतलब लास्ट ईयर कौन सी क्लास पास किया है, मतलब 2023-24 में, 23-24 एकेडमिक ईयर में कितना परसेंटेज, कितना कौन सी क्लास में था, मार्क्स ऑब्टेंड, अलॉटेड मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड मतलब कितना में से कितना अमाउंट आना चाहिए था मार्क्स, परसेंटेज क्या रही, डिवीजन क्या रही, ये इसमें देना है, लिखना पड़ेगा। फिर क्लास विच स्टडी ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक सीजन ईयर, मतलब इस साल कौन सी क्लास में पढ़ रहा है 24-25 में, विद रोल नंबर, उसका रोल नंबर होना चाहिए, सेपरेट सर्टिफिकेट शोइंग डिग्री कोर्स इन फुल फॉर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स डिग्री ईयर CTC इन केस ऑफ वार्ड्स स्टडिंग प्रिज्यूम अंडर टेक्निकल कोर्स AB एंड अटैच्ड, स्कूल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज अफिलेटेड विद नेम बोर्ड ऑफ रेजिग्नेशन लेटर रजिस्ट्रेशन, उस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम और कब से वो रजिस्टर्ड है उसका पूरा डिटेल आएगा, वेदर द वार्ड स्टेइंग इन रिकॉग्नाइज हॉस्टल, इफ सो चार्ज पेड पर एनम, बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेज टू बी शोन सेपरेटली, सेपरेट सर्टिफिकेट शोइंग अमाउंट टू ड्यूरिंग मे बी अटैच्ड, अगर वहाँ बच्चा जो है हॉस्टल में अगर आने जाने का साधन लगा रखा है उसके लिए, तो वो भी इसके साथ अटैच करना है सर्टिफिकेट देके,
और उसका अमाउंट लिखना है कितना अमाउंट पेड कर रहे हो। इट इज़ सर्टिफाइड दैट अबो इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। ये स्कूल से स्कूल का सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर रहेगा, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट विद द ऑफिस स्टैम्प, इसकी स्टैम्प रहेगी, प्लेस डिस्ट्रिक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट डेट ये रहेगा। ये रहेगा स्कूल इंस्टीट्यूट से अपेंडिक्स बी वाला है जो स्कूल इंस्टीट्यूट से लेना है। फिर अपेंडिक्स सी में क्या क्या आता है, अपेंडिक्स सी में हेड ऑफ ऑफिस का रहेगा, जैसे सर्टिफिकेट बाय द फोर्स पर्सनल सर्टिफाइड दैट द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय मी एंड करेक्ट, सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड फॉर होम स्कॉलरशिप इज अप्लाइड इज नॉट एन अर्निंग हैंड, सर्टिफिकेट दैट विल रिफंड द एक्सेस और रॉन्ग पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप इफ एनी पेड टू मी, सर्टिफाइड दैट मी my wife husband if serving no certificate is not claiming the scholarship for the same wards, certificate that I am regular member of education fund and scholarship towards the fund for more than 5 years or as on date and also eligible for claiming benefit of the fund, certificate from the school is enclosed, certificate Certified that have applied for another child namely is studying in class, signature of application certified by the unit commander, ये unit commander जो रहेगा वो इसको certified करेगा, it is certified that number रहेगा rank name of battalion GC has completed 5 years of membership to claim the benefits and also subscribing the towards of education fund regularly, the individual is submitted application for the grant of scholarship restricted on one to eligible child and only, unit commandant head of office का इस पर सिग्नेचर रहेगा स्टैम्प के साथ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको लास्ट ईयर का मार्कशीट लगाना है और बैंक पासबुक जिस बच्चे का है उसी बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर की पासबुक रहेगी, और ये दो फॉर्म रहेंगे, मार्कशीट रहेगी और इस फॉर्म को फुल डिटेल में भरा हुआ होना चाहिए। इसके बाद चेक लिस्ट में देखो द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू सबमिटेड ग्रांट एजुकेशन, मैं आपको ये बता दिया हूँ फिर भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्म अप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो अप्लीकेशन फॉर्म है पूरा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अप्लीकेशन जो है फॉर फॉर्मा जो दिया गया है ए बी सी इसको फुल भरा हुआ होना चाहिए, अटेस्टेड मार्कशीट ग्रेडिंग सर्टिफिकेट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स इंडिकेटिंग दैट द वार्ड्स हैज़ पास हिज एग्जामिनेशन, जो भी पिछले साल का जो सर्टिफिकेट होगा पासिंग का सर्टिफिकेट ग्रेडिंग का वो उसके साथ अटेस्टेड करके अटैच करना है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कंटिन्यू स्टडिंग इज द इशू बाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट वेयर वार्ड्स स्टडिंग प्रेजेंटली, जिस क्लास में जिस स्कूल में जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहा है उसी स्कूल का सर्टिफिकेट जो अपेंडिक्स बी है वो साथ में अटैच करना है, सर्टिफिकेट शोइंग डिग्री कोर्स इन फुल फॉर्म ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स डिग्री ईयर्स ईटीसी इज केस ऑफ आर्ट्स स्टडिंग प्रिज्यूइंग अंडर टेक्निकल कैटेगरी ए एंड प्रोफेशनल कैटेगरी बी विच इज इशूड बाई कॉलेज इंस्टीट्यूशन, कॉलेज इंस्टीट्यूशन से जो बी अपेंडिक्स बी है उसको फुल भरा हुआ होना चाहिए और कौन सी कॉलेज में पढ़ रहा है फुल कोर्स का पूरा नाम होना चाहिए क्या कोर्स कर रहा है, सर्टिफिकेट शोइंग अमाउंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेज एंड ड्यूरिंग ऑफ द वार्ड्स इज स्टेइंग इन ए रिकॉग्नाइज हॉस्टल, अगर हॉस्टल का एंड लॉजिंग का जो चार्ज दे रहा है वो लिखा होना चाहिए और उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी लगा दें सेल्फ डिक्लेरेशन करके, सर्टिफाइड दैट द इशूड बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल एल्सो रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हैंडीकैप्ड इन स्कॉलरशिप परपज। अब मैं आपको बताता हूँ किसको कितना अमाउंट दिया जाता है इसके तहत, ये सबका सेम है सेवारत और डिसेबल्ड कार्मिकों का, स्कूल स्तर क्लास 2 से लेके 5 तक, ये जो मैं आपको बताया था क्लास 2 से ऊपर सभी को मिलेगा 2 से नीचे को नहीं मिलेगा, यूकेजी फर्स्ट क्लास नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास को नहीं मिल दिया जाता है ये छात्रवृत्ति। तो कक्षा कौन सी से कितना अमाउंट मिलता है मैं आपको ये बताता हूँ, देखो
स्कूल स्तर पर कक्षा 2 से 5 तक के 600 रुपये प्रतिवर्ष, 600 रुपये प्रतिवर्ष कक्षा 2 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक 800 रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा 9 से 12 तक 2000 रुपये प्रतिवर्ष, गर्ल और बॉय दोनों को ही सेम मिलता है। अब काफ़ी बंदे फ़ोन करते हैं, सर हमें कितना मिलेगा, हमारा बच्चा इस क्लास में है। तो ये वीडियो उन सब के लिए पहुँचाइए जो, ताकि सबको पता रहे कितना अमाउंट हमें मिलना चाहिए था और कितना मिला है, क्योंकि काफ़ी बाद में फ़ोन करते हैं सर हमें इतना अमाउंट मिलना चाहिए था और इतना ही मिला, कम क्यों मिला। तो इसलिए बता रहा हूँ, ये सभी को सभी तक पहुँचना चाहिए वीडियो, ताकि सब लोग देख सकें और ये कन्फर्म कर सके कि हमें ये कम मिला है ज़्यादा मिला है। कॉलेज स्तर पर क्या क्या है, विज्ञान वर्ग को 3000 रुपये प्रतिवर्ष और कला वाणिज्य और आर्ट्स एंड कॉमर्स को 2500 रुपये प्रतिवर्ष, पैर तकनीकी पाठ्य श्रेणी ए राजपत्रित अधिकारियों के लिए 18000 रुपये प्रतिवर्ष, अधीनस्थ अधिकारियों के लिए 28800 प्रतिवर्ष और अन्य अधिकारियों के लिए अदर रैंक के लिए 36000 रुपये प्रतिवर्ष। ये देखो तकनीकी टेक्निकल कोर्स में क्या क्या है, जो ऑफिसर्स हैं उनको 18000 रुपये प्रतिवर्ष मिलता है, एसओज को 28800 रुपये प्रतिवर्ष मिलता है और अदर रैंक को 36000 रुपये प्रतिवर्ष। उसके बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम श्रेणी, इसमें राजपत्रित अधिकारियों को 7500 रुपये प्रतिवर्ष, 7500 रुपये प्रतिवर्ष, अधीनस्थ अधिकारियों के लिए 9500 रुपये प्रतिवर्ष और अन्य अधिकारियों के लिए 11500 रुपये प्रतिवर्ष। तो ये था प्रोफेशनल कोर्स के लिए, जो कि जियोज के लिए 7500 रुपये, एसओज के लिए 9500 रुपये और अदर रैंक के लिए 11500 रुपये प्रतिवर्ष मिलता है। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी, इस जानकारी को सभी लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। और जब डेट निकल जाती है उसके बाद पूछते हैं सर हमारा ये इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो ये बाद में एक्सेप्ट नहीं होता है, इसीलिए बता रहे हैं कि पहले ही इसको सबमिट कर दें, टाइम से सबमिट कर दें, टाइम से पहुँच जाए ताकि आगे भी दिक्कत ना हो लेट होने में। काफ़ी बंदों को बाद में फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं सर हमारा ये नहीं है, हमारा नहीं लगा, हमें नहीं मिला है स्कॉलरशिप, ये हमारा फॉर्म गया कि नहीं गया। तो ये बाद में देने से अच्छा है पहले टाइम से सबमिट कर दें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा, सभी इसका लाभ उठा सकें। ओके गाइज, थैंक यू।